आजकल पेरेंटिंग काफी डिफिकल्ट हो गई है क्योंकि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए डिस्ट्रैक्शन काफी बढ़ गए हैं। लग्जरी कपड़े हों, ब्रांड्स के कपड़े हों, एक्सपोजर हों, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ से होता है? फोनों से। हम अपने बच्चों को इतने महंगे महंगे फोन तो दिलवा देते हैं, सोशल मीडिया है, लेकिन उसका फायदा क्या है या गलत सही क्या है हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। बच्चे गलत रास्ते पे जा सकते हैं, भटक सकते हैं, इसलिए पेरेंट्स को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो जब भी आप अपने बच्चों के साथ बातें करें, इस सबसे पहले तो उनके साथ फ्रेंड सर्किल कन्वर्ट करना ज़रूरी है। आप उनसे जब भी क्वेश्चन पूछें उनके फ्रेंड्स के बारे में तो ये मत पूछे कौन है, कैसे हैं, बल्कि ये कहिए हाँ वो भी तुम्हारी ही तरह हैं, वो भी गलतियाँ करते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं आपसे घुलने मिलने लगेंगे। यदि बच्चे उड़ना चाहते हैं तो उन्हें उड़ने दीजिए, लेकिन उन्हें बताइए कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, इस चीज़ का गलत रास्ता ये है। जैसे कि मेरी आस्था को मोटरसाइकिल सीखने का अब नया भूत सिर पे सवार हुआ, तो हमने उसकी इस बात को इग्नोर नहीं किया बल्कि उसको रास्ते दिखाए। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी हेल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं। बाहर के पिज्जा बर्गर तो इन्हें अच्छी तरीके से खिला दीजिए, पर घर की रोटी दाल इन्हें बिल्कुल नहीं भाती है। तो इस बात से बचने के लिए मैं आज कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ, जैसे कि जब आप आटा लगा रहे होते हैं और बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो आप उसी क्वांटिटी में एक गिलास दूध में उतना ही आटा लगा दीजिए जितना रोटी बच्चे एक रोटी खाते हैं या दो रोटी खाते हैं। इससे आपके बच्चे को दूध की पूरी भरपूर जो भी उसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, सब मिलेगा और हेल्दी मिलेगा क्योंकि घर का खाना है और इस तरीके के गुथे हुए आटे में स्वाद भी आता है। स्वाद के साथ इस तरीके का आटा जब आप लगाते हैं तो इस आटे में मतलब रोटियां जो होंगी वो बहुत ज़्यादा मुलायम होंगी, नरम होंगी, सफ़ेद होंगी, और बच्चे जब ऐसी रोटी को देखेंगे तो वो पक्का कहेंगे कि हाँ मम्मी हमें घर की रोटी खानी है। दूसरी बात, आप बच्चों को यदि आपके बच्चे जिद भी कर रहे हैं बाहर की मैगी पिज्ज़ा बर्गर के लिए, आप उनको उस समय किसी और चीज़ के लिए फोर्स कीजिए कि नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं भाई ये घर में अभी प्रॉब्लम है। तो जब उन्हें काफ़ी टाइम हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, ऑटोमेटिक उनके पेट में भूख लगेगी और आपका ये हेल्दी खाना बच्चे ज़रूर खाएंगे। और हम अक्सर गलती करते हैं, सिंपल एक दाल बना देते हैं। आप जब भी दाल को बनाएं तो 2-3 तरीके की दालों को मिक्स करके बनाएं। मिक्स दाल का स्वाद अलग होता है और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। आप जब भी दाल में तड़का लगाएं तो दाल को उबलने के बाद तड़का लगाएं, और दाल में तड़का आप सरसों के तेल का ना लगा के देसी घी का लगाएंगे तो सिंपल सा जीरा और हींग का तड़का भी आपकी दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। यदि ये ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ तो आप लोगों के साथ मैंने आपकी शेयर करी है क्योंकि ये तरीके की दाल में काफ़ी स्वाद आता है। आप लोग भी इस तरीके से दाल को कभी छोंक के देखिए फ्रेंड्स। बाहर के खाने में भी क्या होता है, बाहर का खाना बस चटकारेदार हो जाता है, मसालेदार ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए बच्चे उधर भागते हैं। और मैं अभी आपके साथ एक और बात शेयर कर रही हूँ, आपके घर में दूध चाय पानी हमेशा अक्सर सुबह सुबह बनता है या शाम को दोपहर को जब भी बनता है, आप अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में यदि सोचते हैं तो उन्हें चीनी की जगह शक्कर या गुड़ वाला दूध दीजिए। और यदि आपके घर में ये प्रॉब्लम है कि शक्कर से दूध फट जाता है तो सबसे पहले आप दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिए। बॉईल होने के बाद आप उसमें शक्कर डालिए तो वो दूध नहीं फटेगा। ये कभी कभी शक्कर में ज़्यादा केमिकल हो जाते हैं, उस वजह से हमारा दूध फट जाता है। तो ये छोटी सी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर करी है। यदि ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में आपसे बेहतर, एक माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और बच्चों को चाय की जगह इस तरीके से गरम गरम अदरक वाला दूध दीजिए, चाय के पास तो बच्चे भटकने के भी नहीं। और जब हमारे पास कोई अच्छे ज़्यादा साधन नहीं होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बास्केट नहीं होती हैं कि भाई फलों को कैसे बचाएं, जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं इस मौसम में आया ही करते हैं क्योंकि सरसों के ऊपर फूल खिलने शुरू हो चुके हैं,
तो आप छोटे से एक कपड़े के अंदर अपने फ्रूट्स को रखिए। और फ्रेंड्स, ये आपकी सेहत से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो टाइम टू टाइम अपनी दवाइयों का ध्यान रखिए। और इसी के साथ मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि पुरानी दवाई जो होती है वो सिर्फ 2-4 बूंद बची हुई होती है और हम नई शीशी को ओपन कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे घर में क्लैटर को भरती चली जाती हैं। तो पुरानी शीशी की दवाई को पहले ख़त्म करिए, तभी आप नई शीशी की दवाई को वो यूज़ कीजिए। इससे जो पुरानी दवाई है और जो खाली बोतल हुई है, आप उसे आराम से फेंक सकते हैं और नई बोतल आपकी जगह ले लेगी, जगह भी कम घिरेगी इससे, क्योंकि पुरानी जगह तो चली गई है, अब दो बोतल की जगह सिर्फ एक बोतल ने जगह घेरी है। आज के टाइम में बच्चों को खाना खिलाना किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि बच्चों को रोज़ एक जैसा खाना पसंद भी नहीं आता है। यदि आप रोज़ दाल बनाएंगे या पाव भाजी बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, तो बच्चे नहीं, आप बिल्कुल एकदम सिंपल सी सब्जी होती है ना, आलू टमाटर मटर, बिल्कुल सिंपल, ना इसमें कोई मलाई डालनी है ना आपको इसमें घी डालना है, सिंपल सा तड़का दीजिए, अच्छी तरीके से बॉईल करिए, और जब बच्चों को भूख लगेगी तो ये सिंपल सब्जी भी आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे। बस आप उनको बाहर खाने के लिए पैसे मत दीजिए। कभी कभी यदि बच्चे टिफिन भूल जाते हैं तो ये अच्छी बात होती है, इससे उनको खुलकर भूख लगती है। और अपने बच्चों की डाइट में हमेशा मट्ठा या दही जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि दही और मट्ठे में भरपूर कैल्शियम होता है। और अब फ्रेंड्स, गर्म दिन आने लगे हैं, तो जो आप मक्खन अपने घर में बनाते हैं वो ताज़ा ही बनाएं। 2 या 3 दिन से ऊपर का मक्खन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है, तो आप कोशिश कीजिए 2 या 3 दिन के अंदर ही मट्ठा या जो भी आप मक्खन बनाते हैं वो यूज़ हो जाए। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर हम अपने बच्चों के टिफ़िन में पराठा देते हैं, तो पराठा यदि हम रोज़ रोज़ टिफ़िन में खाएंगे तो अच्छा बड़ा आदमी भी उब जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पराठे कभी कभी, महीने में मैंने डे बांध रखा है कि हफ्ते में सिर्फ मतलब एक दिन और महीने में सिर्फ 4 बार पराठे ही बनेंगे। अदरवाइज़ बच्चों ने ज़िद करी है कि भाई आलू का कुछ ऐसे उन्हें खाना है, तो मैं रोटी बनाती हूँ और उसके ऊपर ताजी मखनी घी रखिए, तो ये आपके बच्चे के लिए हेल्दी खाना भी है। साथ में उन्हें आप मट्ठा प्रोवाइड करवाइए उस समय, तो बच्चे ना नुकुर तो शुरू में करेंगे, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन बाद वो उन्हें हैबिट पड़नी शुरू हो जाती है। और जब हमें किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाती है तो उस चीज़ में टेस्ट भी आने लगता है। अगली बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम हमेशा गेहूं की रोटी खाते हैं, तो अपने आटे में थोड़ा सा बदलाव लाना भी ज़रूरी है। तो मैं जो अभी गेहूं और चने की रोटी आपके सामने दिखा रही हूँ, ये मेरी एक पुरानी क्लिप है, उसी से मैंने ये क्लिप उठाई है। लेकिन गेहूं और चने की रोटी को कुछ डिफरेंट तरीके से कैसे खाया जा सकता है, तो इस पर अच्छी तरीके से घी लगाइए और इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब ये रोटी अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए तो इसकी छोटी छोटी सी बुर्कियाँ टुकड़ों में से तोड़ लीजिए और मिक्सी के अंदर अच्छी तरीके से इसका बारीक पाउडर बनाइए, मतलब कहूँ तो चूरमे का लड्डू। ये है गेहूं चने की रोटी का चूरमे का लड्डू, भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे भी खाएं, ये एक हेल्दी चीज़ है आपके बच्चे के लिए। और फ्रेंड्स, काम करते हुए देखिए, अब मैं बता रही हूँ, जब इतनी सारी बातें करी हैं तो मेरे घर का एक छोटा सा पौधा था, गुड़हल का पौधा, तो ये टूट गया था गमले में, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी बड़ी हो गई थी और ये टूटने लगा, प्लास्टिक कमज़ोर हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास जो ऊपर काफ़ी बड़ा एक गमला था, उसी के अंदर मैंने ये पौधा शिफ्ट कर दिया है। और ये फरवरी में आपके पास जितने भी ऐसे पौधे हैं कि आपको लग रहा है कि इसकी जगह बदलनी चाहिए, तो फरवरी का महीना सबसे बेस्ट महीना होता है। इस समय हर प्रकृति में इतना बड़ा चेंज हो रहा होता है कि पुराना मरता हुआ पौधा भी जीवट हो जाता है। तो मैंने भरपूर पानी दे दिया है, क्योंकि गुड़हल के पौधे को काफ़ी जगह भी चाहिए और पानी भी भरपूर चाहिए।
और ये मनी प्लांट था मैंने ऐसे ही किसी वेस्ट ग्लास में लगा रखा था। अब टाइम के साथ साथ पुरानी प्लास्टिक जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो इसकी जड़ें इतनी अच्छी ग्रोथ कर चुकी थी, मेरा मन नहीं हुआ कि इस मनी प्लांट को मैं फेंक दूँ, तो मैंने इसे एक मिट्टी के गमले में कन्वर्ट कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। यदि आप लोग भी इसी तरीके से करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब करते हैं वीडियो का लास्ट। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। इस वीडियो के अंदर यदि आपको कोई भी बात अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स मुझे लाइक और कमेंट दोनों करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तभी मैं अगली वीडियो का नया मोटिवेशन ढूंढ पाती हूँ और नई नई वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर पाती हूँ। कुछ गलतियाँ तो सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, तो अपना ध्यान रखिए, खूब एंजॉय करिए, खुश रहिए।